नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में जमीन विवाद आम बात है, क्योंकि बिहार में घर चाहे कोई भी हो, जमीन संबंधी विवाद आपको देखने को मिलेगा ही। यही कारण है कि समस्याओं के पहाड़ को कम करने में लगी बिहार सरकार। जमीन विवाद को कम करने के लिए अब तक कई कदम उठा चुकी है और लगातार महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए कार्यरत है। इसी कड़ी में अब जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी को खत्म करने के लिए और लोगों को जमीन खरीद बिक्री करने में ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, साथ ही जमीन से जुड़ी सभी प्रकार की परेशानियों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, इसको लेकर 6 नए नियम लेकर आई है, जो कि आपको भी जानना जरूरी है। पहला नियम, बिहार में रजिस्ट्री को लेकर बनाई गई नियमावली के मुताबिक अब जमीन की बिक्री वही कर सकेगा जिसके नाम से जमाबंदी होगी। अभी से पहले यह नियम लागू नहीं था, लेकिन अब इस नियम के तहत जमीन के रजिस्ट्री का काम किया जाएगा। दूसरा नियम, बिहार में जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए रजिस्ट्रार जमाबंदी की ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेंगे, इसके बाद ही जमीन की रजिस्ट्री का काम हो सकेगा। तीसरा नियम, सरकारी आदेश के मुताबिक बिहार में पहले आओ और पहले पाओ का तरीका अपनाया जाएगा, यानी कि अब से जो लोग पहले ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनकी रजिस्ट्री पहले होगी। चौथा नियम, नई व्यवस्था में जिसकी रजिस्ट्री पहले होगी उसका म्यूटेशन भी पहले करवाया जाएगा। पांचवा नियम, बिहार में सरकार अब खुद ही इस काम को करेगी, यानी अब किसी को दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा। छठा नियम, बिहार में जमीन की रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी। एक सप्ताह के अंदर जमीन म्यूटेशन का काम भी किया जाएगा, जिसके तहत अब अगर आप भी जमीन रजिस्ट्री का काम करवाना चाहते हैं तो इन नियमों को ध्यान में रखकर ही करें, ताकि आपको भी जमीन रजिस्ट्री करवाने के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप बेकार में ही किसी भी पचड़े में ना पड़े। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।